हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बता। कैसी आवाज है? मम्मी मैं तो कसरत कर रहा हूँ। झाड़ी में पेशाब कर रहा है, चल अंदर जा पेशाब करने। हे पितृ देवता, हमारे जीवन में सदा ऐसे ही अपनी छत्र छाया बनाए रखना। आज आपका वार्षिक श्राद्ध है और इस परिवार को हमेशा राजी खुशी रखना। मम्मी, आज मेरे बूढ़े दादा की बरसी है ना? अरे लाटे, आज बूढ़े दादा की बरसी नहीं, आज बूढ़े दादा की श्राद्ध है। और ना उसे बरसी नहीं श्राद्ध बोलते हैं। बरसी तो साल भर में आती है और श्राद्ध हर साल आता है, ठीक है? और ये टिफिन लेके मंदिर में जाना और पंडित जी को दे के आना, ठीक है? आइए, हमारी तरफ से दक्षिणा भी दे के आना। सुने, जब पंडित जी खाना खा ले तब तक वही, जब तक पंडित जी खाना ना खाए तब तक वही रहना, ठीक है? उनको खाना खिला के आना। अच्छा बाय मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। पंडित जी हो क्या? पंडित जी कहीं पूजा पाठ में चले गए, अब तो उनका मिलना भी बहुत मुश्किल है। अबे यार क्या करूं मैं अब? ओहो आइडिया है, आइडिया। ढूंढ रहे हो बेटा? क्या आप पंडित जी हो? नहीं बेटा, मैं पंडित जी नहीं हूँ। शायद आप गलत जगह आ गए। ये गलत जगह है क्या? ये जगह गलत तो नहीं है, लेकिन आप शायद गलती से यहाँ आ गए हैं। वो मंदिर जो है आप पीछे छोड़ गए। ये क्या? ये मस्जिद है बेटा, अल्लाह का दरबार है। यहाँ पर क्या होता है बेटा? जैसे आप मंदिर में भगवान की पूजा करते है ना, वैसे यहाँ पे जो है भगवान, यहाँ पे अल्लाह की इबादत की है। तो भी आप कौन? मैं यहाँ का मौलवी हूँ बेटा। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं ना बेटा, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों एक ही काम करते हैं, मतलब सेम हुए ना?
हाँ आप एक तरीके से दोनों को सेम कह। आज मेरे बूढ़े दादा की बरसी है, प्लीज आप ये खाना खा लो, मेरी मम्मी ने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मैं क्यों खाऊं ये खाना? क्योंकि आप इस जगह के पंडित हो ना। मैं ये खाना नहीं खा सकता। खाना खा लो ना, अगर आपने यहाँ खाना खाया वहाँ मेरे दादू को बटर चिकन मिलेगा। मैंने एक साल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज ये खाना खा लो। बेटा तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं वहाँ गया था पर मेरे को पंडित जी नहीं मिले, मैं वहाँ एक घंटे तक बैठा रहा। बेटा जो काम पंडित कर सकता है ना वो मौलवी नहीं कर सकता। आपने कहा था कि आप दोनों सेम हो, खाना ही तो खाना है, खा लो। आपको भूख भी तो लगी होगी, इसमें देसी घी के 5 लड्डू भी है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, पंडित जी और मौलवी एक होकर भी अलग अलग है। अल्लाह के नाम पर तो खा सकते हैं ना। बेटा फर्ज करो अगर जो मैं खा लिया और आपके दादू को नहीं मिला तो? क्या आप पंडित जी से कम पावरफुल है? तुम्हारा काम मंदिर में हो सकता है, यहाँ पर नहीं। मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? हनुमान जी। तो बेटा आप जो है हनुमान जी की पूजा करने के लिए शिव जी के मंदिर में तो नहीं जा सकते ना, आप जो है हनुमान के मंदिर में जाओगे पूजा करने के लिए। तो ऐसे ही मंदिर और मस्जिद में फर्क होता है बेटा। मम्मी कहती है कि सारे भगवान एक ही होते हैं, तो अल्लाह कितने होते हैं? अल्लाह तो एक ही होता है बेटा, एक ही होता है अल्लाह। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह और भगवान एक नहीं है? ना उछाले, मम्मी मेरे को काना कहती है, दादू मेरे को अन्ना कहते हैं, दादी मेरे को भैया कहती है, पर मैं एक ही तो। वैसे ही शिव जी अल्लाह हनुमान एक ही है, लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अच्छा क्या अल्लाह मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं बेटा, अल्लाह तो पूरे जहान में मिलते हैं। सड़क में, सब्जी मंडी में, जंगल में, मंदिर में भी? हाँ भाई हाँ। तो फिर भगवान मंदिर में क्यों नहीं मिल सकते? जैसे कि मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, वहाँ मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं? तो बेटा कौन से लड्डू बनाए आप? लो बेटा हो गया, मिल गई शांति आपको। बेटा ये बेटा इसकी कोई बात नहीं, जरूरतमंद को इसको दे देना किसी को, ठीक है ना? ठीक है बेटा। आज इतनी उम्र हो गई है लेकिन आज भी देश में जो है हिंदू मुस्लिम से कोई पीछे नहीं रहा है। साला रखा क्या है, जो साले सारी उम्र नहीं सदा सके, आज एक नन्ही सोच ने मुझे बदल दिया। आज नन्ही सोच ने मैंने दिखा दिया कि प्यार मोहब्बत में क्या होता है, कितनी बड़ी ताकत होती है, सच्चाई होती है। देखिए कल मिलजुल कर रहो, इस जात पात में ना बटो, अल्लाह और भगवान सब एक ही है, सिर्फ समझने की देरी है। समझता कौन है, क्या कैसे?